बुजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणा मीडिया वाले सज्जन पार्टी दे मोगे जिले दे धर्मकोट हल्के दे आले दुआले दे हल्कियां दे नौजवान वीर मावां भैणा मीडिया वाले सज्जन पार्टी दे मोगे जिले दे धर्मकोट हल्के दे आले दुआले दे हल्कियां दे अहुदेदार साहबान, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीरो मैं कोई लंबे चौड़े भाषण देन नहीं आया, मैं कोई सियाणपा वंडन नहीं आया। मेरे तो सियाने लोग मेरे पिता जी की उम्र दे, मेरे दादा जी की उम्र दे बैठे ने इस सभा दे विच, जिन्हां ने बहुत नेरियां बहुत चक्खड़ अपने पिंडे ते हंडाए ने, माड़ियां चंगियां सरकारां देखियां ने। मैं इत्थे कोई झूठे लारे लाउण नहीं आया, मैं इत्थे कोई थोनू कोई सुरलियां वाले सुपने दिखाउण नहीं आया। मैं थोड़े नाल गल्लां करन आया और गल्लां भी कोई बगानियां नहीं, गल्लां भी कोई इधर उधर दियां नहीं, गल्लां भी उही ने जिहड़ियां तुसीं अपने चुल्हियां मूहरे बह के करदे हो, जिहड़ियां खेत दी वट ते बह के आपस च करदे हो, जिहड़ियां चाह दी रेहड़ी ते खड़ के करदे हो, बस अड्डे ते बह के करदे हो, गल्लां भी उही ने कि यार पंजाब दा की बनूगा, साडे परिवार दा की बनूगा। हर बंदे दे दिल दे विच इह गल है, क्योंकि चुल्हियां दी अग बुझ गई जां बुझदी जांदी है ते सिव्यां दियां अग दियां लाटां उच्चियां हुंदियां जांदियां ने। वीरो जां किसे देश दे विच चुल्हियां दियां अगां बुझदियां होण ते सिव्यां दियां अगां दियां लाटां उच्चियां हुंदियां होण, इह नकम्मियां ते माड़ियां सरकारां दी निशानी हुंदी है ते पंजाब दे विच हो रहा है। सब तो वड्डा दुनिया दे विच सब तो वड्डा बोझ मन्निया गया है प्यो दे मोढे ते पुत दी अर्थी। अज भी पता नहीं किन्ने बदनसीब बाप पंजाब दे विच बोझ ढोणगे, चिट्टे ने मारते, बेरोजगारी ने मारते, महंगाई ने मारते, कोई भविख नहीं दिस रहा। सो वीरो इहनू आपां ही ठीक करांगे, कोई बाहरों आके पंजाब नू ठीक नहीं करूगा, अपना घर आप ही ठीक करना पऊगा। और ठीक करन दा मौका बस आउण वाले महीने च ही आ जाणा है, ओ मौका ना खुंझो, क्योंकि जे एक मौका खुंझ गया 5 साल वास्ते पंजाब जिहड़ा वह इहो जिहे हत्थां चला जाऊगा कि नक्शे तो भी मिटा देणगे। वीरो एडे जालम ने, एडे लालची ने, एडे भ्रिष्टाचारी ने, यह पत्थर दिल ने। अज थोड़ा इन्नी भारी गिणती च आना, आप मुहारे चल के आना, यह सब तो साडे लई हौसले वाली गल है। नहीं तो दूजिया पार्टियां दे कट करन वेले पता नहीं किहड़े किहड़े लालच देने पैंदे है, पता नहीं उन्हां नूं दिहाड़ियां दिंदे है जां रोटी खाण दे लालच ते भी आ जांदे, क्योंकि लोग भुखे मारते इन्हां ने। सो वीरो
लोग मन बनाई बैठे ने, पहला थोड़े कोले कोई राह है नहीं सी, कसूर नहीं मैं कड़दा थोड़ा कि तुसी पहले इन्हों क्यों जताई गए, कोई राह ही है नहीं सी, पहले तो दुखी होके दूजे कोल कि शायद ये ठीक होगा, वो तो पहले नालों भी बद दुखी होके फिर पहले कोल कि शायद ये ठीक हो गया होवे हुण, पर नहीं होए ठीक। पांच पांच साल दियां वारियां बनियां इन्होंने, अंग्रेज सानू 200 साल कट्ठा लुट गए सी, ये पांच पांच साल दियां किश्तां च लुट रहे ने। और इन्हां दी लुट तां सामने आ रही है, कोई लुकमी लुट नहीं हैगी हुण, ये गरीब दे कोठे गरीब दे घर दियां छत्तां चौं रहियां ने, ते इन्हां दे महलां दियां कंधां उच्चियां हो रहियां ने, ए लुट दी निशानी है। गरीब स्कूटर तो सैकल ते आ गया, ते इन्हां दियां बसां हजारां दी गिणती च हो रहियां ने जिहड़ियां इत्थों लंघदियां ने हर रोज, ए लुट दी निशानी है। इन्हां दियां कोठियां इन्हां दियां गड्डियां असीं तां सिर्फ हाथ बन के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वास्ते रखे हुए हैं इन्होंने, पर नहीं हुण नहीं, हुण बहुत हो गया। संगरूर तो मैनू दो बारी लोगों ने जताया, ना तो मेरे को पैसा ना मेरे को कोई गुंडागर्दी करदे आपां ना कोई नशे वंडदे आ, मेरे सामने पूरे बड़े बाहुबली, पहला बजिंदर सिंगला सी राहुल गांधी का खास बंदा, नाले MLMP सी उदों, ते दूजे पास अकालिया वालों सुखदेव सिंह ढींडसा बादल साहब का खास बंदा, ते नाले MP सी हो राज्यसभा का, पर इन्हां लीडरां नूं मैं कहना चाहुंदा जिहड़े कहिंदे असीं बड़े लीडरां असीं नहीं हारदे हुंदे, असीं साडे कोल तां पैसा है असीं ऐ कर लांगे वो कर लांगे, मैं इन्हां लीडरां नूं ये कहना चाहुंदा कि जिन्हां नाल लोक हो जाण ना उन्हां नूं जो मर्जी कर ले उन्हां नूं कोई हरा नहीं सकदा जिन्हां नाल पब्लिक हो जाए। ओ पए ने पुछ लिओ जाके ढींडसे होरां नूं, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੋਫਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, फ्रिज किन्ने दा है, कारां दी कीमत किन्नी है, घर वाली कोल गहने किन्ने ने, सब कुछ लिखना पैंदा वीरो, एफिडेविट देना पैंदा, जरूरी है, वो जनतक हो जांदा, वो पब्लिक जदों मर्जी कढ़ा के देख लियो। तां जदों मैं 2012 च जदों स्वर्गीय कुलदीप ढोस जी साडे नाल हुंदे सी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब, 2012 च मैं लहरेगा अगे तो लड़ रहा सी, मनप्रीत बादल होरां दी पार्टी सी, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी लिखती, जिनी कलाकारी जीवन चो मैं कमाई की सी टैक्स भरे सी मैं लिखता, हार गया मैं, पर कोई गल नहीं, मैं हौसला नहीं हारिया, मैं लोगों के लग्या रहा। 2014 के आम आदमी पार्टी, क्योंकि मनप्रीत बादल जी कांग्रेस चले गए, आम आदमी पार्टी बन गई, मैं आम आदमी पार्टी च आ गया, संगरूर तो MP की टिकट मिल गई, जो मैं संगरूर तो कागज भरे तो मेरी 12 नालों प्रॉपर्टी जायदाद घट गई, क्योंकि मैं कलाकारी वाला काम वो बंद करता, कमाई के साधन बंद हो गए, घटनी सी। 14 च मैं जित गया, 2017 च मेरी ड्यूटी लगी जलालाबाद तो सुखबीर बादल के विरुद्ध, फिर एफीडेविट दिता, 14 नालों भी घट गई। 17 च 14 नालों घट गई, 2019 च फिर संगरूर तो लड़े, 17 नालों भी घट गई। मैं ये कहना चाहना, ये पूछना चाहना लीडरां नू,
जित के भी प्रॉपर्टी घटी जाती है, थोड़ी हार के भी तीन गुणा चार गुणा। कितों आता भी पैसा? थोड़ा पैसा लुट देना, थोड़ा पैसा लुट देना। अज मैं दो बार दा एमपी हाँ, जे कितने दो बार कोई एमएलए ही बन जाए, ब्लॉक समिति का चेयरमैन ही बन जाए दो बार, कई पीढ़िया पैसा कमाने की लोड़ नहीं पैंदी। पर अज तुसीं जाके पुछ लो उतों कि दो बार दा मैं एमपी हाँ, संगरूर मैं किराए के घर ते रहना, किराए ते लिया होया घर है, क्योंकि पैसे कमाने होंगे कलाकारी चो कमा लेंगे। परमात्मा ने दिता सी थोड़ा बहुत गुण, करोड़ों रुपये बाहरले मुल्कां दे शो करके फिल्मां करके टीप कमा लेंदे, पर पैसा सब कुछ नहीं हुंदा। आ भ्रिष्टाचारियों मैं दसना चाहना, जिहड़े दिन रात लुटदे आ गरीबां दे हक मारदे आ, तुसीं भी दस दिओ कि धर्म कोट भगवंत मान आया सी ते आ कह के गया कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जिहड़ा आखिरी कपड़ा मिलता ना बंदे नूं, उह ते सिउण नहीं बजी हुंदी बई जी, नाले फिर दिन छिपण नहीं दिंदे। वह कहंदे ने कोई गल नहीं, जीरे वाली भूआ बाद च आजू, कहना चक्को बस। कादे वास्ते तुसीं लुट्टी जाने हो यार, तुहानूं तां दो घंटे नहीं रख सकते हो जिन्हां वास्ते तुसीं लुटदे हो। वह कहंदे बीड़े चो चक्को इहनूं, कहना बस नाल लै जाओगे यार। गरीबां दे हक ना मारो, गरीबां दी बददुआ ना लो। सो वीरो, स्वर्गीय कुलदीप सिंह ढोस होर दे सपुत्र दविंदरजीत लाडी ढोस होरी, असी पहला पीपीपी च कट्ठे सी, ते अज असी तुहाडे सामने खड़े हाँ। जिस तरह लाडी ने अपने बोल भाषण दौरान कहा है कि उन्हां नूं माण होऊ आपदे पैसे ते, उन्हां नूं माण होऊ अपनी गुंडागर्दियां ते, उन्हां नूं माण होऊ अपने चिट्टियां ते कालियां ते, पर सानू माण थोड़े ते है, साडे तुसीं हो, पब्लिक साडे नाल है, तां सानू किसे गल दा कोई फिक्र कोई नहीं। मैं मेरी दादी एक छोटी जी कहानी सुणाउंदी हुंदी सी, छोटा हुंदा सी मैं, जदों गुरु नानक साहब ते बाबा मरदाना जी उदासियां ते तुरे जांदे सी, लोकां नूं सच दा होका दिंदे, किसी पिंड दी जूह ते बैठे सी, पिंड वाले नूं पता लग गया अपने पिंड दी जूह ते कोई बहुत बड़ा संत रब दा भगत आ गया, किस्मतां पलट दू अपनियां, उहदी सत्संग कर लीए। लोग इकट्ठे होके चले गए, गुरु नानक साहब कहिंदे भाई तुसीं किधर? लोग कहिंदे बाबा जी असीं तुहाडे नाल चलांगे। गुरु साहब कहिंदे वी साडे रस्ते औखे ने, साडे रस्ते सच वाले है, थोड़े तो तुरिया नहीं जाना। कहिंदे नहीं जी चलांगे। कहिंदे चलो ठीक है। तुरे गए तुरे गए, तां रस्ते दे विच चांदी दे वड्डे वड्डे ढेर आ गए, जिधर देखो चांदी दे ढेर लगे पे। जिन्हें नूं चांदी चाहीदी सी उन्हें चांदी चक्की, कहिंदे गोली मारो सच नूं, अपना काम बन गया। वह तो मुड़ गए, वह तो मुड़ गए जी, काफला रह गया अद्धा। तो गुरु साहब ने पूछया भाई तुसी? वह कहिंदे असी चांदी वाले नहीं है, अच्छा तो थोड़े नाल चलांगे। गुरु साहब कहिंदे भाई राह औखे आ सकते ने? कहिंदे आउण दिओ जी। अगे तुरे गए तुरे गए, सोने दे ढेर आ गए जी, जिधर देखो सोने ही सोना। जिन्होंने सोना चाहिए सी उन्हें सोना चक लिया, कहिंदे चलो चांदी वाले नालों वधिया रह गए, आपां सोने आ गए अपने कोले, बंदे ही दस रह गए जी। गुरु साहब कहिंदे भाई तुसी? वह कहिंदे असी सोने चांदी वाले नहीं है, अच्छा तां थोड़े नाल चलांगे। गुरु साहब कहिंदे रस्ते औखे आ सकते ने? कहिंदे आउण दिओ। तुरे गए तुरे गए, अगे हीरे मोतियां दे ढेर आ गए, उन्हां दसां ने हीरे मोती चके, वह कहिंदे आपां दोनां नालों ही वधिया रह गए। वह भी मुड़ गए, रह गया कल्ला बाबा मरदाना। तां गुरु साहब कहिंदे भाई मरदाना तू? गुरु साहब कहिंदे वी बाबा मरदाना जी कहिंदे, कहिंदे गुरु जी मैं नहीं जांदा, कहिंदे मैं तां उन्हां तों अमीर हाँ। तां गुरु साहब कहिंदे मरदाना ना तेरे कोले सोना है, ना चांदी,
ना हीरे ना मोती, तू अमीर किवें आ बई उन्हां तों। तां बाबा मरदाना कहिंदा गुरु जी मैं उन्हां नूं किवें समझावां कमलियां नूं जिहड़े सोने चांदी ते हीरे मोती लैके आपदे आप नूं अमीर समझ के घरां नूं मुड़ गए कि मैं उन्हां तों अमीर हाँ, क्योंकि जेड़ा सोना चांदी हीरे मोती वंडी जांदा है जदों उही मेरे नाल तुरिया जांदा तां मैथों वड्डा फिर किहदे कोले पै जांदा। सरपंच कौन बनाउंदा है? तुसी। ब्लाक समिति दा मैंबर कौन बनाउंदा है? तुसी। MLA कौन बनाउंदा है? तुसी। MP कौन बनाउंदा है? तुसी। मंत्री कौन बनाउंदा है? तुसी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन बनाउंदा है? तुसी। जे तुसी साडे नाल हो तां साडे तों साडे कोले एड्डा वड्डा खजाना होर किहड़ा हो सकदा। सो वीरो आ मावां भैणां बैठियां ने चुल्हा चलाउंदियां ने, इन्हां नूं पुछ के देखो चुल्हा किवें चलदा है, इन्हां नूं पुछ के देखो चुल्हा किवें चलदा है। ते अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट करती कि पंजाब दी हर 18 साल तो उपर दी बेटी नूं भैण नूं मां नूं 1000 रुपया उन्हां दे खाते च आऊगा। ज्यों लगे अकाली दल वाले कांग्रेस वाले की गल है जी, ये तो गलत गल है जी, ये तो मुफ्तखोरी की आदत पा रहे ने जी, ये पैसा कितों आऊगा जी। 8200 ते 8500 करोड़ का बजट है, जे हर मां भैन नू दादी नू चाची नू 1000 रुपया पाने। कल्ला रेत माफिया जे पैसा खजाने च जान लग जे 20,000 करोड़ है जी, 20,000 करोड़ चो 8200 मावां भैणां दे खाते पाता तो थोनू की प्रॉब्लम है बई। तू कहते जी ये मावां भैणां ना आलसी हो जाणगियां भी काम नहीं करना, तो तुसी करोड़ां खा के भज्जे फिरदे हो हजे भी यार, तुसी तां आलसी होए नहीं। असीं पैसे देवांगे, साडे कोल पिया हिसाब सारा, असीं ओह गल कहने जिहड़ी कर सकदे आं, इन्हां वांगू नहीं करदे। हुण कल दी गल है, कल प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती आ जिहड़ा नवां चलिया चन्नी ऐलान ही करी जांदा है, प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती कल 100 दिन का हिसाब देना है, कहिंदा लो जी मंगे सी 5 साल हिसाब 100 दिन का, पहले 100 दिन का हिसाब तो दिंदियां ने सरकारां भी आ फलानी सरकार दे नवी सरकार दे 100 दिन पूरे ने उहदा हिसाब, आखिरी 100 दिन का हिसाब दिंदे पहली बार देखिया है। और 100 दिन के हिसाब च की कहा, कहिंदा जिहड़े 36,000 मुलाजम पक्के करने सी उन्हां दी जिहड़ी फाइल है वह राजपाल ने रोक रखी है, साइन नहीं करता। असीं 2-3 बारी जाए हां, सोमवार को मैं फिर जाऊंगा, जे करते ठीक है नहीं तो धरना देवांगे। तो फिर चन्नी साहब जदों थानू पता है कि फैल तो सैन होए नहीं, तो तुसी पंजाब का कोई खंभा कोई दरख्त या कोई बस छड़ी नहीं हैगी ये लिख के 36,000 मुलाजम किते पक्के, तुसी ऐ लिखना सी फिर कि 36,000 मुलाजमान की फैल भेजी राजपाल नू, झूठ बोल रहे हो मतलब ना दसो। सो वीरो इन्हां कोले कख नहीं, कल्ले ऐलान, आपस च लड़ी जांदे ने, आपस दे विच चल रहा झगड़ा, कोई किसे नाल कोई किसे नाल, चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनती, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनती, बाजवे दी रंधावे नाल नहीं बनती, रंधावे दी बिट्टू नाल नहीं बनती, बिट्टू दी सिद्धू नाल नहीं बनती, सिद्धू दी कहे नाम ही नहीं बनती। ऐ चलाउणगे सरकार ये? आ सरकार चला रहे है, कदे बस चलाउण लग जांदा, कदे रोड़ी कुटणे ते बह जांदा मुख्यमंत्री, कमाल है यार। सरकार चला तू बसां चलाउण वास्ते जिहड़े ड्राइवर हैगे ने लसंस जिन्हां कोल उह हैगे ने, कहिंदा मैनूं खंभे ते चढ़ना आउंदा, मैं कहा जिहड़े खंभे ते चढ़ना जाणदे ने उह तां बैठे ने धरने ते उहनां दीआं मंगां पूरीआं करदे आप ही चढ़ लैणगे उह।
गल है यार, कमला समझते लोगों को तो मूर्ख बनाते हैं। सो वीरो खेती का रोड मैप तैयार है, खेती नू लाहेवंद धंधा बनावांगे, मजबूरी का धंधा नहीं बनाउणा। हुण तुसीं मैनूं दसो जे फसल नू सुंडी लगती है, नरमे नू कणक नू जां झोने नू कोई सुंडी लग गई, थानू पिंडां च कोई सरकार वल्लों जां खेतीबाड़ी महकमे वल्लों जां यूनिवर्सिटी वल्लों कोई दसण आउंदा कि आ सुंडी लग गई ते इहते आ स्प्रे करनी है इन्नी, कोई दसण आउंदा नहीं आउंदा ना। ते फिर आपां स्प्रे किवें करदे आ, स्प्रे करदे आ एक दूजे नू पुछ के। गरमेल ओ यार लाल जे खंभां वाली सुंडी लग गई पत्ते खाई जाती है, कहना हाँ साढ़े भी लग गई, तू कल स्प्रे करी जाता सी केड़ी है, पता नहीं केड़ी है यार पीले जे ढक्कन वाली है, चक दो सारा पिंड पीले जे ढक्कन वाली। इदा नहीं चलूगा जी, हुण यूनिवर्सिटी तो विज्ञानी आउणगे थोड़े पिंड, जिवें थोड़े स्कूलां च मास्टर आउंदे है इदा खेती दे मास्टर एम एस सी एग्रीकल्चर बी एस सी एग्रीकल्चर पढ़े लिखे मुंडे कुड़ियां रखांगे, नाले तां 35,000 तो उपर जिहड़ियां नौकरियां पैदा होणगियां, नाले ओह ओह तुहानूं दसणगे कि इहते आ स्प्रे करनी है, इन्नी करनी है और कट्ठी करनी है। सारे पिंड ने आपां करती, नालदियां ने कीती नहीं, तीन दिन बाद नाल दी खेत चों फिर इधर नूं सुंडी आ जांदी। खेतियां कीतियां होईयां ने, खेती दा पिया मसौदा तैयार कीता, लाहेवंद धंधा बनूगा खेती व्यापार दा, क्योंकि लीकेज बंद कर दो बस। अरविंद केजरीवाल दवाइयां बिल्कुल मुफ्त ने दिल्ली च, पैरासीटा मोल तो लैके 70 लाख तक का ऑपरेशन भी है सारा फ्री है हरेक नू, नाले कोई बीपीएल कार्ड या कोई लाल कार्ड नहीं, हरेक नू ठीक है जी। 73% लगभग पौनी दिल्ली नू बिजली का बिल जीरो आता है, 20,000 लीटर पानी फ्री है उत्थे, महिलावां नू मावां भैणां नू बसां च सफर फ्री है। पर नाल नाल इह भी है, एक रुपये का भी करजा नहीं चढ़न दिता दिल्ली ते, करजा लेके नहीं चीज़ां फ्री दित्तियां, सगों दिल्ली का बजट 24,000 तो 68,000 करोड़ ते लै गया, वो दिल्ली का बजट बधिया, नाले खजाना भरिया नाले लोगों ने दिता है। कितों आया जेड़ा पुल 350 करोड़ च बनाउण दा अंदाजा लाया सी सरकार ने, पुरानी ने नवे इंजीनियर बुला ले नवा नक्शा बना के, वह पुल 200 करोड़ च बनाता, 150 करोड़ बच गया, 150 करोड़ नाल सारी दिल्ली दवाइया फ्री करतियां। आ हुंदा है लोगों के टैक्स का पैसा जे बचता है सरकार को लोगों वापस किसी ना किसी रूप देने, इनू इनू कोई मुफ्तखोरी थोड़ी कह सकते हैं। बाहरले मुल्क भी पैसे मिलते हैं, कनेडा अमरीका च उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कहें, उत्थे वो सोशल सिक्योरिटी है। सो वीरो आए करांगे नाले तां खजाना भरांगे ते नाले सहूलतां मिलणगियां, बस एक मौका चाहिए सानू, उदू बाद नहीं। मैं संगरूर दे विच जदों 14 दे विच खड़ा सी इलैक्शन च, तां मैं हथ बन के फोटो खिचाई सी, इदा आम तौर पर खिचाउंदे आ, पर मैं नाल नाले भाषणां च कहिंदा रहा सी इस बार तां मैनूं हथ बनने पै रहे ने कि मैनूं एक मौका दे दो इस बार तां, पर जेकर 5 साल बाद भी मैं हाथ बन के फोटो खिचाउणी पैगी फिर लख लाण ते मेरी राजनीति ते, 5 साल बाद हाथ नहीं बनूंगा, कम्मां दे नां ते मंगूंगा वोट, ऐ करके फोटो खिचाई सी। सो 2015 दे विच इक मौका दिता लोकां ने दिल्ली च, तां लोक भुल गए हुण उत्थे बीजेपी ते कांग्रेस नूं भी इह वी पार्टियां ने, क्योंकि वो कहिंदे साडे तां बेटियां वर्ग है, साढ़े भरावां वर्ग है, मुख्यमंत्री साडा हर दुख सुख च खड़दा है। आ हुण एक वीडियो तुसीं देखी होनी, नवजोत सिंह सिद्धू जी जा रहे ने, रस्ते कोई एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें गड्डी खड़ा ली, गड्डी खड़ा के उन्होंने जिहड़ा उन्हूं पानी पूनी पै, चलो चंगी गल है, असी भी जे कोई इदां दा सानूं टक्करदा रस्ते च साडा फर्ज बनदा, पर उन्हें 2,000 रुपया भी दिता उन्हूं अपनी जेब चों, ते गड्डी च बह के डॉक्टर नूं फोन भी कीता, वीरो
ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੈਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ। 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਕਰਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਚਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੜਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਲਿਆ ਰਾਜਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਝੂਟੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਦਲਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਭੜਾਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਓ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਜਾਂ 1.25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਤੋਂ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ। ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਕਰਤੇ, ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ, ਐਂ ਨਾ ਕਰ, ਐਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਓ। ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
सो वीरो ये हुण अजकल रैलियां ते लगे हुए ने, एक दिन दिल्ली जांदे ने फिर आ जांदे ने, उत्थे उत्थे गालां गूलां पैंदियां इन्हां नूं, बयान ना कर उहदे नाल चल उहदे नाल चल, पर उह नहीं चल गल बन रही, डड्डूआं दी पसेरी नहीं तोली जा सकती, एक निकलदा दूजा चला जांदा है। आ बीजेपी वाले वह कहिंदे हुण असीं ठीक हो गए, साल तां किसान जिहड़े ने साडियां मावां भैणां बजुर्ग उत्थे मीं नेरियां च ठंड च ते गर्मियां च उत्थे बिठाई रखे, 700 तों उपर जानां चलियां गईआं, परचे दर्ज होए ने जी। आके प्रधानमंत्री ने कहता एक दिन तड़की, कहिंदे गलती हो गई कानून वापस, बई उहनां दीआं जानां वापस किवें आउणगीआं, कानून वापस लै लिया, हजे परचे दर्ज होए ने उह नहीं वापस लए, ठीक है ना। तो हुण किहड़े मूंह नाल इत्थे आउणगे, किहड़े मूंह नाल बीजेपी जां बीजेपी दे नाल अलायंस करन वाले कैप्टन साहब किहड़े मूंह नाल आउणगे इत्थे। सो इन्हां तों इन्हां नूं वोट पाउणा वोट खराब करन दे बराबर ही है, पूरी लहर है। मैं जिथे जाना लोग आप ही कहिंदे आ कि इन्हां तों खैड़ा छड़ा दो जी साडा, मैं कहा जी मैं नहीं छड़ाउणा, छड़ाउणा खैड़ा तुसीं है, अजे तां तुहानूं इक जरिया जा बने हुए हैं बस। लड़दियां फौजां होंदियां ना जरनैल दा हुंदा है, ठीक है ना। सो मैं थोनू ये कहना आया धर्मकोट वालेओ कि नौजवान मुंडा है, कम करन दा जज्बा है, पिता जी दा आशीर्वाद, इस सेवा सेवा दा बहुत सारे बजुर्गां नाल उहनां दीआं सांझां पुराणियां। सो मैं चाहुंदा कि ओह बंदे जिहड़े एक, मैं हुण होर गल कहनी है, जिहड़े बंदे ये कहिंदे हुण ना थोनू कि मैनू वोटां पाओ जी, मेरी तां आखिरी आखिरी बार खड़ा हो रहा, मैं तां मैनू वोटां पा दो आखिरी पारी है, उहनू कदे भी नहीं पाउणी चाहीदी। कारण ये आपां तरस जा खा लैणे, चल आखिरी बार आपां जित गया, जित के आपां कम कराउण वास्ते उहदे कोल चंडीगढ़ गए कि साडे पिंड दा टोभा खराब है, आ पाणी दा निकस कर दो, आ स्कूल कर दो, उह कहिंदा मैं नहीं करदा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 30-35 ਸਾਲ ਹਜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਖੇਡੋ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਐਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਜਾਣ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਬਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਪੱਤ ਚੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਭੱਜ ਜਾ, ਧੀਏ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ।
कोई गल नहीं, तुसी मौका दिओ 2022 च इन्हां नौजवानां नूं, इन्हां धीआं भैणां नूं बाहरले मुल्कां च धक्के नहीं खाने पैणगे, उन्हां दीआं डिग्रियां मुताबक उन्हां नूं इत्थे ही नौकरियां मिलणगियां, आपदे परिवार च आ के शाम नूं रोटी खाणगे। उह जा चले तां जांदे ने पर दिल उन्हां दा इत्थे ही रहिंदा है। ये साडा वादा है कि सच्चे दिलों काम करांगे। हरे रंग का पेन जिन्ना तकड़ा कर दोगे उन्ना थोड़े हक च तल चलूगा। जो मैं कोई ग्रांट जारी करदा संगरूर च कि इस पिंड इन्ने लख दे दो, इत्थे हरे रंग नाल साइन करदा, तो मैं नाल अपने आप नाल भी गल करदा, भगवंत माना हंकार ना कर जी कि तेरे कोले हरे रंग का पेन है, ये पेन तेरा नहीं, ये पेन की मालिक जनता है। जे तो पब्लिक के हक चलूगा, गरीबों के हक चलूगा तेरा पेन, फिर तो तेरे को ही रहूगा। जे आपदे चेले चमटियां दे जां आपदे चमचियां दे हक च चलाउण लग गया तो फिर इस पेन नूं उवें जिवें जनता खो के तैथों किसी होर नूं दे दूगी, जिवें होरां तों खो के तैनों दित्ता है, आ फर्क है बस। सो पेन पेन थोड़ा है, साइन साडे ने, जदों मर्जी पेन खो सकते हो। आपां अपने बीमार हो जांदा कई वारी, कोई भाईचारे च शरीके कोई बीमार हो जांदा बंदा, आपां पता लैण जांदे आ कि जी मुंडा किवें है, वह कहें जी लुधियाने है DMC च, डॉक्टर कहें दो दिन होर देखांगे नहीं तो ऑपरेशन करना पऊगा। चलो आपां कहने ठीक है जी, चलो परमात्मा करे ठीक होके आ जाए, नाल आपां सलाह दे दिंदे आ भी आ नाल पिंड है जलालाबाद, उत्थे एक सियाणा है, वो थौला करदा, थौला ही कहने ना आप, कोई नहीं मैं लै लूँ बाबा जी, मैं मिल के जाऊँगा। वह कहें भी थौला पाँदा वह निम दी टाणी जी नाल देसी जा, वो थौले नाल भी बहुत ठीक होए ने, उहदे नाल अपने पिंड दे भी गुरदेव का भाणजा बलदेव का पोता, थौले ही करा के देख लो। वो जिहड़े परिवार च बीमार हुंदा वह कहिंदे यार जिथे डाक्टरां दा मत्था मार लिया कितें आ थौले वाली सियाणे वाली कोई बहम ही ना रहे जे दिल च, यार ये भी करा के देख लैने, वो थौला करा लैंदे ने। उही हाल पंजाब दा है, पंजाब पिछले 70 सालां तों बीमार है, दो डाक्टर इलाज कर रहे ने, अकाली डाक्टर 5 साल कांग्रेसी डाक्टर, अकाली डाक्टर 5 साल कांग्रेसी डाक्टर। तुसीं मैनूं दसो रोग घटिया जां वधिया है जी, वधिया। फिर मिन्नत वाली गल है ऐतकी साथों थौले ही करा के देख लो। कई बार थौला सीधा पै जांदा, वड्डे डाक्टर कोले जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। आपां पंजाब दी जवानी ते थौला पाउणा है, पंजाब दी किसानी ते थौला पाउणा है, पंजाब दी दुकानदारी ते थौला पाउणा है, व्यापारी ते थौला पाउणा है, पंजाब दीआं धीआं भैणां जिन्हां दे रोज दुपट्टे रोलदे आ उहनां दुपट्टिआं ते थौला पाउणा है, इज्जत ते अणख बरकरार करनी है दोबारा, तां कि पंजाब नूं दोबारा फिर रंगला पंजाब बना सकीए, दमामे मारदा जट फिर मेले जा सके। सो वीरो दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ, नारे भी जिहड़े ने ना वो इनकलाब दे ने, शहीदां दे ने, उहनां दी आत्मा नूं शांति मिलजू। चलो हैगे ने हजे जिन्हां ने साडे वाला दीवा बुझण नहीं दिता, इनकलाब थोड़ा जिहा होर कर लो, मोगे तक तो जाए गल, इनकलाब इनकलाब बोले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा, आराम नाल जायो, हौली जायो, आराम नाल हौली जायो, कल्ला कल्ला कदम चलिया होया साडा, साडे सिर मत्थे तुहाडा मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, हैलो वाहिगुरु जी की फतह। मान साहब साडे परिवार दे विच वाधा हो रहा साडे।